फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज ये वीडियो जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये वीडियो है असाइनमेंट से रिलेटेड। बहुत सारे कंफ्यूजन है बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को लेकर के। स्पेशली अभी तो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के समय तो आपको असाइनमेंट बनाना होता है। कॉलेज की तरफ से बस बोल दिया जाता है कि आपको असाइनमेंट बनाना है, लेकिन एक्चुअल में असाइनमेंट बनाया कैसे जाता है, कितने पेजेस के बनाने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के बनाने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के दिमाग में रहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम असाइनमेंट से रिलेटेड, चाहे आपको बात बता दे बीएड फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, दोनों का कंफ्यूजन इस वीडियो में आपका दूर होगा। एंड साथ साथ जो है आप लोगों के कॉमेंट्स, पिछले साल हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक वीडियो डाला था, अपलोड किया था, उस पर आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आए हुए हैं, तो उन कॉमेंट्स का भी जो है क्वेश्चन हम करेंगे, उसका भी जो है आंसर हम आपको देंगे। एंड साथ साथ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से जो है असाइनमेंट बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है, साथ साथ क्लासेस जो है 4 बजे आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अभी यहाँ पे देखो, मैं बताऊँ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा कॉमेंट दिखा देती हूँ जो कि कॉमेंट आप लोगों ने पिछले साल पूछा है। ठीक है, क्या क्या कॉमेंट है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देखोगे, पल्लवी ने पूछा है पेज में नंबर लिखना पड़ेगा इंडेक्स में लिखने के लिए। ठीक है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। देखो कॉलेज वाले दो तरह से काम करते हैं, एक तो कॉलेज वाला होता है कि पूरा जो है कॉपी जिसमें कि आपको असाइनमेंट लिखना है वो कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसके पैसे लिए जाते हैं। तो ये अगर इस तरह से अगर दिया जा रहा है तो उसमें पेज नंबर अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो पेज नंबर आपको पूरे कॉपी में डालना पड़ेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि आगे में स्टार्टिंग में जो है आपको इंडेक्स बनाना पड़ता है कि कितने नंबर से कितने नंबर में कौन सा क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है, कितने नंबर से कितने नंबर में लिखा है, तो ये इसके लिए जो है जरूरी हो जाता है पेज नंबर लिखना। तो यस पल्लवी, पेज नंबर आपको लिखना होगा इंडेक्स बनाने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है रूप का, अगर असाइनमेंट कॉपी कॉलेज से मिला है तो ऊपर ही कॉलेज का नाम लिखा हुआ है तो फर्स्ट पेज पे सिर्फ सब्जेक्ट नेम लिख कर लिख सकते हैं। हाँ जी रूप, बिल्कुल आपको यही करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे रूप ने बताया है कि असाइनमेंट के लिए जो है कॉलेज की तरफ से भी कॉपी मिलता है, तो जब वो कॉलेज की तरफ से कॉपी मिलता है तो उसके फ्रंट पेज पे उस कॉलेज का नाम दिया हुआ रहता है, तो उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये कॉलेज है मेरा, है ना। और कुछ कॉलेजेस से कॉपी नहीं मिलता है, ये भी रखना, तो जिन कॉलेजेस से कॉपी नहीं मिलता है उन लोगों को खुद से A4 साइज का पेजेस लेना है, उसको फाइलिंग करनी है और उसमें बनाना है, तो उसमें आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। डिजाइन अलग अलग तरीके से लिख सकते हो लेकिन लिखना पड़ेगा, लेकिन जिनको मिला हुआ है उनको नहीं लिखना है, डायरेक्ट फर्स्ट पेज से जो है सब्जेक्ट का नाम लिखना है और असाइनमेंट स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहां पर देखो एक और क्वेश्चन है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से एग्जाम देंगे तो असाइनमेंट भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में ही सारा एग्जाम, सारा पेपर जो है आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो आपको असाइनमेंट भी इंग्लिश में ही लिखना है। हिंदी में असाइनमेंट लिखने के लिए उस समय आपको परमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इंग्लिश में दे रहे हो तो इंग्लिश में ही लिखोगे। ठीक है, ये हुए क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, मैम फाइल कैसे बनानी है प्लीज बता दो, आज हम बात करेंगे फाइल के बारे में। मैम पेन सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू ही यूज करना है बस? नहीं देखो, फाइलिंग करने में असाइनमेंट में कुछ कलर आप यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डेकोरेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है आप इस पेज में अगर कलर कर रहे हो तो बैक वाला पेज जो है गंदा हो जाए, कुछ लिमिट के साथ आपको करना है। पल्लवी का अगेन क्वेश्चन यहाँ पे है, पेज में नंबर लिखना पड़ेगा इंडेक्स में लिखने के लिए, सेम क्वेश्चन इनका था। तो ये जो है आप लोगों के क्वेश्चन है असाइनमेंट को लेकर के, सबका आंसर मैंने दिया। अब मैं आपको कुछ चीजें जो है बता रही हूँ। देखो सबसे पहली चीज जो हमने बात की आपको कि जो कॉपी है असाइनमेंट का जो फाइल है, ठीक है, ये दो तरह से होगा। असाइनमेंट का जो फाइल बनाना होता है ना, ये दो तरह से होता है। एक तो आपको कॉलेज वाले जो है कॉपी देते हैं, ठीक है, कॉलेज की तरफ से जो है कॉपी मिलती है, जैसे CCS के स्टूडेंट है उनको मिलती है, हमारे पास पेड बैच में है स्टूडेंट, जैसे है आगरा RMPSU के स्टूडेंट उनको मिलती है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज जो है देते हैं, अवध के जो है कॉलेज वाले भी देते हैं तो अवध से भी मिलती है, तो कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं।
तो जिनको मिलेगा उनको तो आपको कॉलेज वाली कॉपी में ही लिखना है, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा वो A4 साइज, ठीक है, A4 साइज के पेजेस यूज करोगे और उसको जो है फाइलिंग करके आप उसमें लिखोगे, ठीक है। A4 साइज के जो पेजेस आपको लोगे उसमें आपको क्वेश्चन लिखना है और उसको जो है फाइलिंग कर देना है। तो उसका फ्रंट पेज पे जो है आपको कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट, ये सभी चीजें डालनी पड़ती है, ये असाइनमेंट का है। ये चीज हो गई। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का होता है कि कितने सब्जेक्ट का जो है असाइनमेंट बनाना पड़ता है। तो देखो आपके जैसे हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर में जितने पेपर हैं सभी का बनाना पड़ता है। अगर जैसे कुछ कॉलेजेस के नियम अलग है, मैं आपको हमेशा से पहले भी बोलती हूँ, कुछ कॉलेजेस वाले जो है सिर्फ मेथड पेपर का बनवाते हैं, जो आपका पैडागोजी पेपर होता है सिर्फ उसका बनवाते हैं। तो एक बार आप असाइनमेंट या फाइल बनाने से पहले अपने कॉलेज से कॉन्टेक्ट कीजिए। मैक्सिमम कॉलेज वाले कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, बोलते सभी पेपर का बनाओ। तो ऑल पेपर का जितना, जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में जो ऑल पेपर है आप लोगों का, जितना भी पेपर दिया गया है बीएड फर्स्ट ईयर में, वो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जैसे कि बीएड फर्स्ट ईयर में क्या होता है, चाइल्डहुड होता है, कंटेम्प्रेरी होता है, लर्निंग टीचिंग होता है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम होता है, ये जितने पेपर होते हैं, तो ऑल पेपर का जो है आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। अब अगर आपको जो है कॉलेज ये दे रहा है तो इसमें बनाना पड़ेगा, अगर नहीं दे रहा है तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में ऑल पेपर, ठीक। सेकेंड ईयर का भी सेम है, इसमें भी आपको जो है ऑल पेपर ही बनाना पड़ता है, जितने भी पेपर आपको दिए गए हैं। अब चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो है मैं आपको दिखाऊं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा, देखो इस तरह से जैसे कि इस बच्चे को जो है मानो कि नहीं मिला है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको पेज नंबर के लिए स्पेस दिया गया है। पेज नंबर लिखना बहुत जरूरी है, जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, देख रहे हो पेज नंबर लिखा हुआ है, इंडेक्स में आपको डालना पड़ता है इसलिए। अब ये जो है आप बता देते हैं, ये बीएड सेकेंड ईयर का है, ठीक है, ये बीएड सेकेंड ईयर का है, नॉलेज एंड करिकुलम का है। नॉलेज एंड करिकुलम में आपको इस तरह से इन्होंने लिखा है पाठ्यक्रम क्या है, और उसके बाद आंसर लिख दिया है, और आंसर लिखने के बाद जो है आपका ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत ही की बात नहीं है। तो ये आपका देख लो, इस तरह से आप देखोगे कि आपको जो है करिकुलम का पहले तो क्या है वो लिख दिया गया, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फिर है पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ क्या है, फिर उसके बाद है पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम से रिलेटेड नॉलेज एंड करिकुलम में करिकुलम से रिलेटेड इन्होंने असाइनमेंट बनाया है। तो आप लोगों का करना क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट है आपका उसे कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि इन्होंने नॉलेज एंड करिकुलम से एक क्वेश्चन लिया है ना, एक क्वेश्चन इन्होंने ले लिया है करिकुलम को लेकर के, तो करिकुलम को लेकर के इन्होंने जो है बना दिया, इसमें इनका जितना भी पेज बने। दूसरा क्वेश्चन इसमें आप ले लो नॉलेज से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन ले लो आपका जो है ज्ञान और सूचना में डिफरेंस कर दो, ठीक है, वो कर दो, या एनसीएफ 2005 कर दो, ये भी आप लोग का टॉपिक रहता ही है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग लिख करके दे दिए, पहला असाइनमेंट कंप्लीट। 3 अगर आप लोग का लंबा लंबा आंसर जा रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो 2 ही का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ पहला पेपर का। दूसरा पेपर जैसे कि आप लोगों का, ठीक है, ये पाठ्यक्रम की परिभाषा जो है इन्होंने लिखी है, पाठ्यक्रम की विशेषता लिखी है, ठीक है, देखते चलो, पाठ्यक्रम के उद्देश्य लिखे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रही हूं कि कितना इन्होंने किया है। पाठ्यक्रम के गुण लिखे हैं, क्वालिटीज लिखी है, और ये आपका लास्ट पेज है पाठ्यक्रम के दोष। कंप्लीट बन गया एक नॉलेज एंड करिकुलम का, 7 पेजेस का एक बना है, आप लोग देख सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन अगर ज्ञान से कर दोगे तो वो दूसरा क्वेश्चन 7 पेज का हो जाएगा, मान लो ये 6 पेज का हो जाएगा, तो 7 × 6 = 13 पेज हो गया, 15 पेज। तो एक असाइनमेंट आपका 14-15 पेज या 20 पेजेस का होना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन आप कर दोगे, हो गया। अब मानो कि दूसरा आपका बात कर लेते हैं, चलो बीएड फर्स्ट ईयर की चाइल्डहुड की बात कर लेते हैं। तो चाइल्डहुड में जैसे मानो कि आप लोग किसके पे बनाओगे भाई, तो पहला उसमें टॉपिक ग्रोथ का बना लो, ग्रोथ के बारे में लिख दो। दूसरा टॉपिक डेवलपमेंट के बारे में लिख दो। तीसरा टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में लिख दो। खत्म करो, बन जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से जो है आप लोगों को बनाना है। तो अगर आपको कॉलेज से कॉपी मिलती है तो उसमें बनाओगे, और नहीं तो आप लोग जो है खुद से इस तरह के A4 साइज के पेजेस जो है वो परचेस करेंगे, लाइन वाले परचेस करेंगे, और उसमें जो है पहले पेज नंबर डालना है, स्टार्टिंग का फ्रंट पेज आपका कॉलेज का नाम डालना होता है, सब्जेक्ट डालना होता है, असाइनमेंट नंबर 1 डालना है, पेपर 1 का डाल रहे हो, और इस तरह से आगे आपको क्वेश्चन 1 लिखना है। बस जैसे कि आप लोग नोट बनाते हो ना, नोट्स बनाते ही हो, उसी तरह से लिखना है। इस तरह से क्वेश्चन लिख देना, फिर आपको आंसर लिखना। अब हो जाता है प्रेजेंटेशन यानी डेकोरेशन। तो डेकोरेशन अपने ऊपर है, जैसे मानो ग्रोथ का बना रहे हो, वृद्धि का बना रहे हो, तो वृद्धि का जो है पिक्चर अगर लगाना चाहते हो तो एक पेज में पिक्चर लगा दो, डेवलपमेंट का एक पेज में पिक्चर लगा दो, एक पेज में लिख दो। तो ये अपने ऊपर होता है आप डेकोरेशन करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग को असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट आप लोग के फर्स्ट ईयर में जो पेपर्स हैं, जैसे चाइल्डहुड, लर्निंग एंड टीचिंग, कंटेम्प्रेरी, इसका आपको बनाना है। मैथड पेपर में आपको लेसन प्लान बनाना होता है। सेकेंड ईयर में भी इसी तरह से है, लेसन प्लान आप लोगों को बनाना है, और फिर उसके बाद से जो है आप लोगों का जितना सब्जेक्ट दिया गया है वो लेसन प्लान आपको जो है सेकेंड ईयर में ही बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर में आप लोगों का जितना पेपर दिया गया है उसका असाइनमेंट बनाना पड़ता है। सो आई होप कि ये असाइनमेंट से रिलेटेड जो है भी प्रॉब्लम है आपके दूर हुए होंगे। क्वेश्चंस अभी भी है तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं, इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।